महीने दर महीने दमदार प्रदर्शन करने वाली कंपनी एस्कॉर्ट्स आज है हमारे साथ न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट में। 1944 से जो कंपनी ने शुरुआत की अपने बिजनेस की, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन, रेलवे इक्विपमेंट, मतलब आज के वक्त जो जो सारे सेक्टर्स और बिजनेसेस फोकस में हैं वो सारे आपको एस्कॉर्ट्स में देखेंगे। आजकल ट्रैक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता है, नहीं है पता नहीं, लेकिन राजदूत मोटरसाइकिल एस्कॉर्ट्स बनाती थी हमारे जमाने में। हाँ, राजदूत मोटरसाइकिल इनकी ब्रांड है वो, और अब ट्रैक्टर के बिजनेस में काफी जबरदस्त कारोबार ये कंपनी कर रही है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ग्रुप CFO भरत मरान साहब, जो 1988 बैच के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे से 5 साल सीनियर है। मैं 93 बैच का हूँ तो मेरे से सीनियर भी है प्रोफेशन में, 30 साल से ज्यादा का अनुभव है उनका, और 2005 से एस्कॉर्ट्स के साथ है, यानी 15 साल से ज्यादा लगभग सारे एस्कॉर्ट्स के वर्टिकल्स में काम कर चुके हैं और उनका इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो मरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने जी बिजनेस के लिए, और सबसे पहले आपको एस्कॉर्ट्स ग्रुप को और आपके सभी कस्टमर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई सर। थैंक यू अनिल जी, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक पूरी जी टीम को। थैंक यू सर। सर हर महीने इतनी दमदार ग्रोथ आ रही, इस बार भी साल दर साल देखें तो 88% ज्यादा ट्रैक्टर बेचे। आजकल लोग ट्रैक्टर ही खरीद रहे हैं या आप ही ज्यादा बेच रहे हैं सर? नहीं, आ जाएंगे क्वेश्चन आपने 3-4 महीने पहले भी किया था जी, तो ऐसा नहीं है कि हम ही बेच रहे हैं, तो इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ आ रही है। आई थिंक दिसंबर के महीने में भी इंडस्ट्री जो है 45% ग्रो की है, राइट? तो यस, एस्कॉर्ट्स की ग्रोथ अच्छी रही है। बस हमारी लास्ट 2-3 महीने में जो सप्लाई कॉन्स्टेंट थे वो इस महीने में खत्म हो गए हैं, तो इसलिए सप्लाई अच्छी थी, तो जो डिमांड थी, जो कस्टमर वेट कर रहे थे ट्रैक्टर्स के लिए, उनको अच्छा मौका मिला, तो रिटेल भी काफी स्ट्रांग रही इसलिए इस महीने में। तो खाली होलसेल के नंबर्स नहीं है, ओवरऑल रिटेल भी आ जाएंगे इस महीने में, फर्स्ट टाइम दिसंबर में जो कि हमें ऐसा देखने को मिला है कितनी स्ट्रांग रिटेल रही थी। तो इस बार मतलब बड़े समय बाद क्या डोमेस्टिक सेल्स में ज्यादा ग्रोथ है ये एक्सपोर्ट्स के मुकाबले, ये समझ सकते हैं हम? डोमेस्टिक में अच्छी, बिकॉज एक रीजन इसका ये भी है कि जनवरी से इन्फ्लेशन के चलते काफी OEMs में प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी प्री बाइंग डिसीजन भी थे जो दिसंबर में हुए, तो स्टील प्राइसेस काफी ऊपर जा रहे हैं, तो उसका भी एक कंसर्न है, तो आगे जाके प्राइसेस भी जो मूव हो रहे हैं उसकी वजह से भी कस्टमर्स ने मे बी दिसंबर में लेना बेटर समझा, तो थोड़ा प्राइसेस अभी कम थे, अब 1 जनवरी से मोस्टली सबने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा आएगा दिसंबर की डिमांड में जो देखने को मिला है हमें। अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उससे कोई बिक्री पर असर पड़ा है कि थोड़ी मांग कम हुई हो, या जनवरी के महीने में असर पड़ सकता है, ऐसा कुछ दिख रहा है या अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है? ठीक है, अभी तो हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होना है, तो अभी तो ये सीजन में वैसे भी ट्रैक्टर बाइंग नहीं होती, तो मेजर सीजन शुरू होगा वो मिड फरवरी से शुरू होगा, अगर उसके आगे ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहे तो डेफिनेटली इसका डिमांड पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट होपफुली तब तक अगर कोई सोल्यूशन निकल आता है तो आई थिंक अदरवाइज इन मार्केट्स में, स्पेशली नॉर्थ की मार्केट में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होती है रबी सीजन की, तो उस केस में डेफिनेटली अगर प्रोटेस्ट खत्म हो जाते हैं तो डिमांड अच्छी आनी चाहिए आगे। ठीक बात है। अच्छा सर, 2021 का आउटलुक दीजिए आपकी कंपनी के लिए, आज से डिमांड किस तरह की आप उम्मीद कर रहे हैं और कैसा साल रहने वाला है ये? ठीक है, अभी FY21 में अगर देखें तो अभी एज इट इज जो इंडस्ट्री जो अपनी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिखा रही है, एज इट इज अभी 6,50,000 ट्रैक्टर के आसपास डोमेस्टिक सेल हो चुकी है, और हमारे जो लास्ट पीक थी वो 739 की थी, सो 7,40,000 के आसपास की जो टोटल इंडस्ट्री थी, तो इस साल डेफिनेटली इंडस्ट्री एक नई पीक अपनी इस्टेब्लिश करेगी, तो हमें उम्मीद है मे बी समवेयर अराउंड 8,20,000 से लेके 8,60,000 8,70,000 तक इंडस्ट्री जा सकती है इस बार में, तो वो जो रफली 15-20% की ग्रोथ इस पर्टिकुलर ईयर में हो जाती है। अब इतने पीक पे आने के बाद में अगले साल में फर्स्ट क्वार्टर तक डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, और उसके बाद डिपेंड करेगा मानसून कैसा है, उसके बाद में कैसा बाकी मार्केट्स इंपैक्ट कर दी है, और बेस इंपैक्ट भी थोड़ा सेट इन हो जाएगा, पर जून के आगे डिमांड काफ़ी हाई रही थी तो इसलिए वो थोड़ा ग्रोथ के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, तो ओवरऑल आई थिंक लगता है हमें फिर भी फ्लैट टू मे बी सिंगल डिजिट ग्रोथ पॉसिबिलिटी में स्टिल भी देर। परफेक्ट। अच्छा एक और चीज़ बताएं सर, क्यूबोटा के साथ जो आपने जॉइंट वेंचर किया था उसका प्रोडक्शन तो शुरू हो गया, फुल प्रोडक्शन पे चल रही है वो फैसिलिटीज भी, वहां से भी अब आपकी सप्लाई इशू जो है वो थोड़े और बेहतर हुए? फुल नहीं, अभी उन्होंने कुबोटा के जो रेंज के प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाना शुरू किया है, तो जो एस्कॉर्ट्स के प्रोडक्ट्स बनने हैं वो अभी हमारे जून जुलाई तक अगले साल इस साल में जाके बनने शुरू होंगे, तो उसके बाद में डेफिनेटली वो कैपेसिटी रैंप अप करना शुरू करेंगे, तो फुल कैपेसिटी में आते आते उस यूनिट को अभी 2 साल का टाइम लगेगा। अच्छा इस साल यूटिलाइज रहेगा जी जी। मदन साहब इस साल क्या नए लॉन्चेस किस तरह से करने का इरादा है, क्या कुछ और ट्रैक्टर्स में या कुछ और सेगमेंट्स में लॉन्च कर रहे हैं आप?
डेफिनेटली आई थिंक हर सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट लाइनअप है हमारी, जिसमें कि काफ़ी हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, काफ़ी विंग जो है काम कर रहा है। तो पिछले भी जितने भी नए लॉन्चेस रहे हैं उसमें काफ़ी सक्सेसफुल लॉन्चेस रहे हैं, और अगले साल के लिए भी काफ़ी लॉन्चेस प्लान है हमारे प्रोडक्ट के अक्रॉस ऑल तीन वर्टिकल, जितने रेलवे का है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है और ट्रैक्टर में, तीनों बिजनेस में आपको नए लॉन्चेस देखने को मिलेंगे इस साल में। सर, जो पुराने ज़माने में वो सबसे बड़ी फेवरेट मोटरसाइकिल हुआ करती थी राजदूत, जो आपकी कंपनी बनाती थी, अभी तो बिल्कुल बंद है या अभी भी बन रही है, और या उसको कुछ रिवाइव वगैरह करने का इरादा है सर? जैसे कि वो बुलेट एकदम से रिवाइव होकर आइशर मोटर्स को टर्न अराउंड कर दिया, आपकी कंपनी तो वैसे भी अच्छा कर रही है ट्रैक्टर वगैरह में, तो राजदूत को लेकर कुछ प्लान्स हैं? अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो बढ़िया सा है, जैसे आप लोग बोल रहे हैं वैसे हमें ऐसे सजेशन आते रहते हैं इन्वेस्टर से भी कि हाँ हमें तो देखना चाहिए, बट यस एज ऑफ नाउ हमारा फोकस खाली जो अभी कोर बिजनेस हमारे हैं तीनों उन्हीं के ऊपर है, तो अभी हमारा बाइक के बिजनेस में जाने का अभी कोई ऐसा ख्याल नहीं है। परफेक्ट सर। अच्छा, चूंकि आपका बिजनेस रेलवे से जुड़ा हुआ भी है, बजट भी सामने आने वाला है, और रेल बजट भी आजकल तो बजट के साथ ही मिक्स होकर आता है, तो इस बार रेलवे बिजनेस के लिहाज से बजट से आप क्या चाहते हैं सर? तो अब जैसे पिछले 5 साल का भी प्लान जो गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया था उसमें रेलवे बिजनेस की आउटलुक काफ़ी स्ट्रांग है, हम हर साल वो 1,25,000 से 1,30,000 करोड़ की स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं रेलवे बिजनेस के ऊपर में, तो आई थिंक वो एक सेक्टर है जिसमें डेफिनेटली ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। ये वाला साल थोड़ा टेम्परेरी इम्पेक्टेड था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो ट्रेन वगैरह काफ़ी सस्पेंडेड थी, तो इसलिए गवर्नमेंट बाइंग और जो फ्रेश ऑर्डरिंग है वो थोड़ी स्लो रही है, लेकिन अगले साल हमें उम्मीद है कि सारा पिकअप वापस आएगा और इतने टेंडर्स अभी आने शुरू हो गए हैं, तो आई थिंक इस क्वार्टर से हमें लगता है कि थोड़ा ऑर्डर पिकअप भी शुरू हो जाएगा, तो आई थिंक आगे साल भी जाके हमें लगता है कि रेलवे बिजनेस जो ग्रोथ दिखाता रहा था अभी तक 20% की सीएजीआर पिछले 5 साल में हमें देखने को मिली है, वो तो आगे भी मेंटेन रहेगी हमारी तरफ से। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा आउटलुक 2021 का एस्कॉर्ट्स की तरफ से भरत मदान साहब बताते हुए। सर धन्यवाद आपका, और वक्त दिया आपने, और पूरा अगले साल का आउटलुक भी हमारे दर्शकों को बताया एस्कॉर्ट्स को लेकर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए, एस्कॉर्ट्स लगातार 2020 का बेहतरीन परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक, और इसी पर एक राय ली जाए, वागले साहब का बड़ा फेवरेट रहा है, वागले साहब जब तब मौका लगते ही एस्कॉर्ट्स को रिकमेंड भी करते आए। वागले साहब चार्ट देखिए जरा। अनिल जी, हल्का सा साइडवेज लग रहा है मुझे पिछले कई दिनों से, और 2 या 3 हफ्ते पहले जब से इसने 1340 या 1330 का एक सपोर्ट ब्रेक किया था, तो ये स्ट्रगल करेगा 1330 क्रॉस करने में। मेरा 1260 और 1330 का पोजिशनल व्यू है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर बेच के निकल जाना चाहिए, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मेरा 1550-1600 का टारगेट है 6 से 8 महीने का, 10 महीने का, लेकिन 1330 के पार निकलते ही इसमें मोमेंटम आएगा, तो एज अ ट्रेड मुझे एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, ठीक बात है, ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स पर राय इस वक्त 1300 के आसपास ट्रेड करता हो। आइए आप